प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो शेरनियां, भारत की दो मुस्लिम बेटियां। एक तरफ आप देखेंगे अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ पाकिस्तान को मिलकर धोएंगी, बल्कि जो भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदार हैं उनकी भी जम के क्लास लगाएंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। घर पे होती है, दो बिल्डिंग छोड़ करके फिर से छमिया होती है, फिर दो बिल्डिंग छोड़ करके फिर से लौंडिया होती है, एक बिल्डिंग एक गली के किनारे फिर से बांधिया होती है। ये है। इवन मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, मेरे ऑफिस में एक लड़का आता जाता था, कुछ कुछ काम वाम करता था, तो मुझे पता चला कि भाई उसकी बीवी है, दो बेटियां हैं और फिर उसका चक्कर चल रहा है। तो मैंने कहा क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले से है, दो बेटी का जन्म देना और उसके बाद उसको पढ़ा लिखा करके उसको शादी करना, उसको इंसान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और बीवी तो है तेरे पास। बाजी देखिए, आप मेरे सुन्नत में बीच में नहीं आ सकती है। मुसलमान मर्दों को कोई सुन्नत पता ना हो, लेकिन चार शादियों की सुन्नत जरूर पता होती है, जरूर पता होती, क्योंकि उसमें ठरकबाजी जो पूरी होती है, उसमें अय्याशियां जो पूरी होती है। अब मैं बोलूंगी कि तुम खरात करो, अब मैं बोलूंगी तुम नमाज पढ़ो, अब मैं बोलूंगी कि तुम पूरे करो, बच्चों को अच्छी खिलाओ, सब नहीं पता उनको जो फराइज है, उनको क्या होते हैं ये तो उनको पता ही नहीं है, ये उनको जानना ही नहीं है। उनको सिर्फ ये समझना है कि कहाँ कहाँ पर उनकी अश्लीलता का बाजार पूरा हो रहा है, उनकी ठरकबाजी कंप्लीट हो रही है, बस वही जानना है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि एक तरफ ये लोग चिल्ला रहे हैं और छाती पीट रहे हैं कि भारत हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ हर कोई व्यक्ति जाकर के नवाज शरीफ को, मरियम को, अभी हालिया में मरियम भी पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब सिंध में गई थी और वहां पर जाकर के सबको गले वाले लगा करके कह रही थी कि हमारे तो परदादा भारत के हैं, और मतलब जबरदस्ती का कनेक्शन जोड़ना स्टार्ट कर रही थी, लेकिन सारे यूट्यूबर की दुकान बंद करवा दी गई है पाकिस्तान के, सारे यूट्यूबर की दुकान बंद करवा दी गई है, और भारत के लोगों से बात मत करना, भारत के लोगों को मत बुलाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कड़वाहट पाकिस्तानियों के दिल में भारत को लेकर के है, ये अपने मुफाद के लिए हो सकता है कि भारत को दो दिन अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन दिल में जो नफरत पाकिस्तानियों के अंदर भारत को लेकर के है, जो जलन है, जो कड़वाहट है, जो हसद है, ये कभी नहीं जाने वाली है, ये कभी कभी भी नहीं जाने वाली। कोई सवाल और कोई शुबा ही नहीं, क्योंकि हिंदू हेट्रेड और भारत हेट्रेड पे पाकिस्तान का जन्म हुआ, जिसकी बुनियाद में ही नफरत और हेट्रेड है। तो उससे आप मोहब्बत की या अच्छे बर्ताव की या अच्छे रवैये की कैसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत एक बड़ी शक्ति और बड़ी सुपर पावर की तरह उभर रहा है, तो ऐसे में भी उनको इतनी जलन, इतना हसद होता है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भारत तो सुपर पावर बनने जा रहा है, हम आज भी कर्जा चुकाने के लिए भीख मांग रहे हैं। समझ में ही नहीं आता कि आप अब कंपैरिजन भी कैसे कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान का, मतलब कोई कैसे कंपैरिजन करता है, मतलब जाहिलों से, गटर छापों से आप हम लोगों को मिला देते हो। अच्छा देखिए, इस्लाम में तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हैं, जिसको भी मद्देनजर रखते हुए भारत को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये गिरगिट के आंसू जरूर बहाएगा, लेकिन उस पर जाना नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा शरिया क्या बोलता है कि अगर कोई मुसलमान लड़का बलात्कार करके आ जाए, उसको इस्लाम से खारिज नहीं किया जाएगा। कोई जहेज लेकर के, करोड़ों अरबों रुपए का जहेज लेकर के निकाह पढ़ ले, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। कोई मोलेस्टेशन करके आता है, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। कोई मर्डर करके आता है, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे शरिया और इस्लाम के हिसाब से हम किसी सनातनी को, किसी हिंदू को अगर होली का मुबारकबाद दे देते हैं, तो हमने शरिया के खिलाफ काम किया है और हम इस्लाम से खारिज हो सकते हैं। हमने किसी को अगर दुर्गा पूजा का मुबारकबाद दे दिया है, दिवाली का मुबारकबाद दे दिया है, तो हमारे ऊपर टिप्पणियां उठ सकती हैं। देखिए, आज तक आफताब जो, जिसने श्रद्धा की बोटी की, नासिर खान जिसने सुजर जॉर्डन का बलात्कार किया, लारा भाषमी जिसने गला रेता, ऐसे लोगों को कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या पाकिस्तान के द्वारा कोई आवाज नहीं उठी कि इनको इस्लाम से खारिज किया। बिल्कुल कभी कोई फतवा भी नहीं आया। पर मौलाना इलियास साहब
प्राण प्रतिष्ठा में चले गए तो इमीडिएट फतवा आ गया। तो हमारे इस्लाम की नजरों में, हमारे शरिया की नजरों में एक मुसलमान बलात्कारी का वजूद भी है और इज्जत भी है, पर जब हम लकुम दीन अकुम वले यदीन मानते हैं तो हमारी इज्जत नहीं होती है। हमें बिकाऊ बोल दिया जाता है, हमें आरएसएस का दलाल बोल दिया जाता है, मौलाना इलियास साहब जैसे लोगों के ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है। पर देखिए आफ्ताब के ऊपर, आफ्ताब के लिए एक भी टिप्पणी किसी ने नहीं किया, नासर खान के ऊपर एक भी टिप्पणी किसी ने नहीं किया। तो हमारे शरिया के हिसाब से भी जो बातें हैं वो क्रिस्टल क्लियर है और उसको बोलना चाहिए हम जैसे शिक्षित लोगों को कि हमारा इस्लाम, हमारा शरिया इस बात की अनुमति देता है कि एक बलात्कारी मुसलमान की इज्जत है। लेकिन जो लोग गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसकी इज्जत नहीं है, उसके नाम से फतवा जारी होता है, उसको गालियां पड़ती है। इस बात को हमें फैलाना चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि वर्ल्ड इस्लाम के आलमबरदार हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं दीन के नाम पर इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनके पाले में खड़े नजर आते हैं। और जब भी बात होती है जस्टिस की या खास तौर से महिलाओं से जुड़े मुद्दे की बात होती है, इतने सालों से जो भी काम हम लोग करते आए हैं हमेशा इन लोगों को विरोध में खड़ा पाया है। कभी भी बेटियों के लिए पार्लियामेंट में ओवैसी जी होते हैं, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर इसका विरोध किया। तो उम्मीद कैसे करें कि जब उनके बुनियादों में जो उनके मोराल हैं वो ही टोटली अगेंस्ट है, तो इसका इस्लाम से तो क्या ही करें। लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें, फतवे और सब अब उस वहां पे फिट कर लेते हैं जहां पे चीजें सही हो रही होती हैं। अब उनको लगता है कि किसी को मंदिर जाना है तो वहां पे जस्टिफाई कर लेंगे कि भाई ये तो ठीक है हम जा सकते हैं, और कहीं पे लग रहा है कि मौलाना इलियासी अगर चले गए तो फतवा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें कन्वीनियंस के हिसाब से फतवे फिट हो जाती हैं, आप जानती हैं इस चीज को। तो ऐसे में सवाल ये निकल कर आता है नाजिया, एक सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें तोड़ी मरोड़ी जा सकती हैं, तो क्यों ना जो बात प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने भी कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे, तो उससे इतराज क्यों होता है? देखिए एक तरफ तो ये मुसलमान के जितने भी समाज, मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी के ठेकेदार बन करके बैठे हैं, एक तरफ बोलते हैं सीए में मुसलमानों को जोड़ो और यूसीसी से मुसलमानों को निकाल दो। मतलब क्या है भाई, क्या तमाशा खोल के बैठे हो तुम? मतलब तुम क्या, ये क्या अकबर का मुगल तोड़ना है तो भाई पाकिस्तान बनाया क्यों था, पूछ लें इनसे। द सेकंड थिंग इज के हम अपने, हम जैसी मुसलमान लड़कियां या भारत में जितनी भी मुसलमान बेटियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर कैसे दे सकते हैं जो हमारा सलवार झांकते हैं, जो दिन रात पार्लियामेंट से लेकर के हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक कैमरा पर ये कहते रहते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। भाई आप मेरा सलवार झांक रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि इसका सलवार लाल हो तो हम इसका निकाह पढ़वाने के लिए चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दे। हम अपने अपने कौम की बेटियों की जिम्मेदारी ऐसे अश्लील और अभद्र लोगों पर कैसे कैसे दे सकते हैं जो लोग ये कहते हैं कि औरत तो 40-42 साल में पीरियड्स खत्म हो जाता है तो उनका वो तो बेकार हो जाती है, तो हमें तो दूसरे खेत जाना पड़ता है हल जोतने के लिए। तो ऐसे बेहुदा बेशरम लोगों के ऊपर हम अपने कम्युनिटी और अपनी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अंबर के जिस तरह से भारत जिस तरह से इस्लाम में कई बार रिफॉर्मेशन आया, जैसे तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान, तब जाकर के कुरान आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिफॉर्म होने की जरूरत है और देश को सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ। अब अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जा करके सर्वोच्च न्यायपालिका में ये अपील करता है कि वो यूसीसी नहीं मानेगा, तो उसके लिए हम जैसे लोगों को, वकीलों को खड़े होकर के पूछना चाहिए कि भाई सर्वोच्च न्यायपालिका के जस्टिस के डेस्क के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है या अल कुरान है या हदीस है या सही अल बुखारी, अगर संविधान है तो संविधान का आर्टिकल 44 कैसे कोई भी जज रद्द कर सकता है मुसलमानों को खुश करने के लिए, कैसे कोई कर सकता है? और जहां तक मैं हूं, आप है और हम जैसी जो भी वोकल लड़कियों ने आवाज उठाई है, उसके बाद मैंने काफी पॉजिटिविटी देखी है मुसलमान लड़कियों के अंदर। और जिस हिसाब से 67.2% वोटिंग यूसीसी के सपोर्ट में हुई है, यूसीसी कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो मदनी हो, चाहे वो अबेसी हो, चाहे वो तौकीर हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो रशीदी हो, चाहे वो बुखारी हो,
यूसीसी रोकने की ताकत अब इनके पजामे के नाड़े में बची नहीं है, क्योंकि इनकी अश्लीलता का नंगा नाच हम लोगों ने शब्दों से बयान कर दिया है। बिल्कुल, और यूसीसी भारत की मुस्लिम महिलाओं की जरूरत है, उनमें समानता की भावना लाने के लिए, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, और जो संविधान सुनिश्चित करता है सबको समान अधिकार, तो भारत की मुस्लिम महिलाओं को उससे परे क्यों रखा जाए। कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानती हूँ, जो मेरी पिटीशन है उसमें भी हमने यही बात कही कि अगर संविधान कहता है कि आप सबको समान अधिकार है, तो हमें आज तक समान अधिकार क्यों नहीं मिले। उम्मीद करते हैं कि भारत की मुस्लिम बेटियों को भी समान अधिकार मिले जो संविधान कहता है, और ऐसी उम्मीद हमें भारत की न्यायपालिका और भारत सरकार से है कि एक दिन हमें वो बराबरी का अधिकार मिलेगा। इसी के साथ नाज़िया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ आप अहम चर्चा में जुड़ी, बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों के बाद तुमसे बात हुई है। थैंक यू, जय जय श्री राम, जय श्री। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की दो बहादुर शेरनियों ने ना सिर्फ पाकिस्तान को जमके धोया, बल्कि जो भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदार है, खासकर अगर हम ओबीसी की बात करें तो उसको भी आड़े हाथों लिया। तो आपने देखा जैसे कि बात की नाज़िया लाई खान जी ने कि पाकिस्तान को भारत से हमेशा ही जलन होती है, और पाकिस्तान यूएन में जाके भी खुद को एक्सपोज करके आया है कि भारत अज्ञात हमलावरों के जरिए से पाकिस्तान में आतंकवादियों को मरवा रहा है, यानी खुद ही को एक्सपोज कर रहा है दुनिया के सामने। और जैसे कि नाज़िया खान जी ने एंड में कहा कि किसी भी मौलवी मुल्ले में अब दम नहीं है, उसके नाड़े में इतना जोर नहीं है कि अब वो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून को रोक कर दिखाए, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।